Hello everyone, welcome back to the channel. Today here in this video we will discuss about the questions and answers and some grammar exercises regarding the poem Wake Up, class 4 English. See the first question. What do you think bird says to each other in the morning? इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक बर्ड सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक? आंसर है, द बर्ड्स एंड बीज आर ऑलरेडी अवेक. क्वेश्चन, व्हिच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज? मतलब बच्चे के उठने से पहले ही कौन कौन से क्रिएचर्स हैं जो उठ गए थे? आंसर है, बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक, सीप एंड द चिक आर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. अब ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मतलब पेयर में दिया गया है दो दो सेंटेंसेस. इसको एंड या तो बट, एंड और बट से कनेक्ट करना है. एंड क्या होता है? एंड का मतलब और बट किंतु परंतु. तो फर्स्ट पेयर देख लेते हैं. इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. और सेकंड सेंटेंस क्या है? अच्छा, इसका मीनिंग बता देते हैं. इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. अभी स्कूल जाने के लिए उठने का टाइम हो गया है. और सेंटेंस बी में क्या है? आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ. तो फर्स्ट सेंटेंस है कि मुझे स्कूल जाने के लिए उठने का टाइम हो गया है. और सेकंड में है कि मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ. तो ये दोनों सेंटेंस को आप कैसे कनेक्ट करोगे? क्या होगा? बट से कनेक्ट करेंगे हम. तो ऐसे लिखेंगे हम सेंटेंस को. It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. हो गया? चलिए अब सेकंड पेयर देखते हैं. शीला got some chocolates for her birthday. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ये है, शीला को कुछ चॉकलेट मिला है अपने बर्थडे पे. सेंटेंस बी में क्या है? सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. उसको कुछ नए कपड़े मिला है. कब न्यू कपड़े भी मिला है? तो इन दोनों सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे? एंड से. दोनों सेंटेंस के बीच में हम एंड लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा. कैसे होगा देखते हैं. Sheila got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. हो गया? चलिए नेक्स्ट पेयर देखते हैं. Everyone has gone to sleep. सब लोग सोने के लिए चले गए हैं. और सेंटेंस बी में क्या है? I want to read my book. मैं अपना किताब पढ़ना चाहता हूँ. तो इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? एंड होगा या व्हाट होगा? चलिए अब बताइए क्या होगा. बट होगा. कैसे होगा देखते हैं. एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वांट टू रीड माय बुक. फॉर सब सोने के लिए चले गए हैं पर मैं अपना किताब पढ़ना चाहता हूँ. चलिए फोर्थ पेयर देखते हैं.
राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस बी में क्या, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है। तो आप बताइए इन दोनों सेंटेंस को आप कैसे कनेक्ट करोगे, या एग्जैक्टली एंड राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, राजू क्रिकेट खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है। सो राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देख के आगे का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। एग्जाम्पल में क्या है, टाइनी टाइनियर टाइनीस्ट। तो यहाँ पे वर्ड्स है कुछ जो, या तो मतलब जो नीचे जो भी वर्ड्स है वो कोई होगा पॉजिटिव डिग्री में, कोई कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में कोई, और उसमें जो भी दिए ब्लैंक है उसको फिल करना है उस हिसाब से। तो फर्स्ट है टाइनी, टाइनी क्या है वो पॉजिटिव में है, कॉम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा टाइनियर, और सुपरलेटिव में टाइनीस्ट। टाइनी मतलब छोटा, कॉम्पेरेटिव में टाइनियर उससे छोटा, सुपर छोटा। सो इसको देखते हुए आगे का जितने भी ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। बिग, उसके बाद क्या होगा बिगर देन बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपियर स्लीपीएस्ट। लवली, लवलियर लवलीएस्ट। लेट, लेटर लेटेस्ट। राउंड, राउंडर राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर बेस्ट।